Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I'm your OIS coordinator, Ms. Razia Maureen. It's our third session to take the class of bio, and it's really a big opportunity for me that management chose me for teach you. See, Oxford International School GH campus, biologists and textbook board, class 9. Syllabus, in syllabus we have 4 sections, and in 4 sections we have 10 units, 10 chapters. Chapter number 1, Introduction to Biology. Inshallah, today we will complete this lesson. We will complete this chapter. We will complete this chapter. Inshallah, inshallah. Then we will start second chapter on my on next Monday. अभी जो हमारे 2 सेशन हो चुके हैं उनमें जो हमने स्टडी किया है उसे हम थोड़ा सा ग्रोथ थ्रू कर लेते हैं. हमने पढ़ा था व्हाट इज साइंस, साइंस के बारे में, व्हाट इज बायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, टैक्सोनॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विथ अदर साइंस, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेट्री, बायोग्राफी, बायोइकोनॉमिक्स. All about our first session. ये सब का सब हमने पढ़ा था हमारे first session में. In our second class, we studied about observation, hypothesis, matrices, education, deduction, experiment, experimental group, control group, results, theory, scientific principles, significations of biology or impact of biology, study on human life. Food production, control on diseases, pollution control. This was all about our second class. ये सब कुछ हमने अपनी second class में पढ़ा था कि observations कैसे होती हैं, observation होती क्या है, hypothesis, matrices, deduction, कितनी theories के बाद, कितने hypothesis के बाद हम चीज में deduction करते हैं, experiments कैसे करते हैं, उन experiments के results कैसे आते हैं. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या चीज होती है, कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, थ्योरी क्या होती है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी फील्ड में मुस्लिम साइंटिस्ट का जो भी रोल था, जो फेमस थे, ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी डिड नॉट डिस्कस ऑल द साइंटिस्ट, बट फ्यू फेमस साइंटिस्ट के बारे में हमने इसमें स्टडी किया था. Signification of biology of or impact of biology study on human life. Human life में biology की study का कितना impact पड़ता है, food production कैसे होती है, क्या होती है, control of diseases किस तरह से किया जाता है, उसमें सबसे main जो हमारी disease थी malaria उसे किस तरह से discover किया था और उसकी हाइपोथेसिस कितनी थी, फिर वो किस तरह से थ्योरी बनी और थ्योरी के बाद उसके रिजल्ट्स कैसे आए, उस सब कुछ हमने बहुत डिटेल्ड स्टडी किया था. पॉल्यूशन कंट्रोल, जो ग्लोबल वार्मिंग आजकल बहुत ज़्यादा हमारा प्रॉब्लम है, उसे किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं साइंटिस्ट, उस पर कैसे स्टडी कर रहे हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ा था. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडीज अबाउट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक ऑफ लाइफ, ओरिजिनल ऑफ लाइफ. लाइफ की रियालिटी क्या है, वॉट इज द रियालिटी ऑफ लाइफ इन द पॉइंट ऑफ व्यू, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू. वी ऑल्सो सी द डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक एंड इस्लामिक एंड साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, के इन दोनों स्टडीज में, लाइफ की स्टडीज में डिफरेंसेस क्या थे. सी द वेरी नाइस डायग्राम. इस्लामिक कॉन्सेप्ट अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ. We have got much information about origin of life by studying the Holy Quran. According to the Quran and the study of the Quran, हम बहुत ही knowledge रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे कि इस्लाम के क्या concepts हैं, और ये सारी की सारी knowledge हमें मिलेगी कहाँ से, by the studying of Islam. ये हमें अपनी स्कूल की बायो की बुक में या इंग्लिश की बुक में या उर्दू की बुक में सिर्फ थोड़े से रेफरेंसेस जरूर मिल सकते हैं, बट डीप स्टडीज
अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं जिंदगी के बारे में, इर्तिका के बारे में, अर्थ के बारे में, ये सब कुछ हमें इस्लाम की और कुरान पाक की स्टडी से मालूम होता है। ठीक है, अल्टीमेट क्रिएटर्स, अल्टीमेट क्रिएटर्स कहते हैं हतमी तख्लीक कार को, जो एक ओवरऑल जिसने दुनिया को तख्लीक किया है उसे कहते हैं अल्टीमेट क्रिएटर। सिर्फ ओनली द वन क्रिएटर, हु इज, कौन है वो? अल्लाह ताला। ओनली द अल्टीमेटेड क्रिएटर इज अल्लाह ताला। देखिए कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम पढ़, कहने को तो बायो पढ़ रहे हैं लेकिन हम जिक्र कुरान का और अल्लाह पाक का कह रहे हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों को बनाने वाला बैक पर है कौन? अल्लाह ताला। और ये स्टडी हमें, ये सारा नॉलेज हमें मिल कहाँ रहा है? विद द स्टडी ऑफ इस्लाम, इस्लाम की तालीमात से, कुरान पाक से। कुरान पाक से अच्छा तो कोई गाइडलाइन, कोई हमारे पास किताब है ही नहीं ना, कोई रेफरेंस बुक है ही नहीं हमारे पास जितनी अच्छी कुरान पाक है। The first thing learned from teaching of Quran is that Allah is the ultimate creator of everything, whether plants, animals or non-living things. Quran ki talimat se sabse pehli cheez, sabse pehli baat jo hume pata chali, wo ye hai ki chahe hum baat karte hain plants ki, animals ki, living things ki aur non-living things ki, everything. एवरीथिंग, जो कुछ भी अर्थ पे है, दुनिया में है, उसे तख्लीक करने वाला कौन है? सिर्फ एक साथ, ओनली अनलिमिटेड क्रिएटर, एक ही क्रिएटर है, अल्टीमेट वन क्रिएटर, दैट इज अल्लाह, और वो है अल्लाह का। ठीक है, इज दैट क्लियर? अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स and he is guardian of overall things. Surah Zaman ayat 62. Allah Taala har cheez par qadir hai, usne jandar, bejaan, pahad, pani, duniya, jandar, plants, sab kuch banane wali sirf ek hi hasti hai, ek hi creator hai, and that is Allah Taala. Not only plants, animals and non-living things and human beings. Also, the heavens of whole universe have been created by Allah. सिर्फ और सिर्फ ये वो चीजें नहीं है जिनके मैंने नाम ले लिए, वो अल्लाह ताला ने बनाई है। Each and everything on the earth made by Allah Taala. Only the one creator. Only the one creator. सिर्फ एक creator है इन चीजों को तख्लीक करने वाली, एक जात है, और वो है अल्लाह ताला के साथ। सीन द पिक्चर्स, आप सन देख रहे हैं, क्लाउड्स देख रहे हैं, वाटर देख रहे हैं, प्लैनेट्स देख रहे हैं, फ्लावर्स देख रहे हैं, ट्रीज देख रहे हैं, एनिमल्स देख रहे हैं, ऑल क्रिएटेड बाय, ऑल मेड बाय अल्लाह ताला। ठीक है, ये हमें कौन सी स्टडी बता रही है? इस्लामिक साइंस। ये हमें कुरान पाक बता रहा है, जो कि हमारी दीनी तालीम है, और बीइंग अ मुस्लिम इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कुरान पाक को मायनों के साथ पढ़ें और समझें उस चीज को। ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम वाटर, पानी से जिंदगी का आगाज कैसे हुआ? ओरिजिन, ओरिजिन कहते हैं असल चीज को। ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम वाटर, द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट वी गेट फ्रॉम कुरान इज दैट अल्लाह हैज क्रिएटेड ऑल लिविंग थिंग्स फ्रॉम वाटर। वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। जितनी भी जिंदा चीजें हैं, मखलूकात हैं, कीड़े मकौड़े, हशरात, आप, मैं, उन सब को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। क्यों? बिकॉज दे ऑल आर मेड बाय वाटर। अल्लाह ताला ने इन्हें पानी से बनाया है। ये हमें कौन बता रहा है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुरान पाक। ये एक वो किताब है जिसमें ना हम इसका ना दैट का चेंज कर सकते हैं, और उसकी किसी भी बात को हम डिनाय नहीं कर सकते। बीइंग अ मुस्लिम, ये हमारा ईमान है कि जो उस बुक में, जो उस किताब में लिखा हुआ है, इट्स 100% परफेक्ट, क्योंकि वो अल्लाह ताला की किताब है। अल्लाह ताला अपनी
किताब में क्या फरमाते हैं, अल्लाह ताला हमें बताते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम वाटर, द सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट वी गेट फ्रॉम कुरान इज दैट अल्लाह हैज क्रिएटेड ऑल लिविंग थिंग्स फ्रॉम वाटर. सीन द पिक्चर यू कैन नेवर जज द थिंग्स, वी कैन जस्ट ऑब्जर्व. हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, चीजों को जज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक सीनरी है, उस सीनरी में पहाड़ है या आसमान है, क्लाउड्स हैं, पानी है. पानी इज, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अल्लाह ताला ने इंसान अशरफुल मखलूकात को भी पानी से बनाया. मैं आपको साइंस में बताती हूँ बायो पढ़ाते हुए कि 70% हमारी बॉडी जो है वो वाटर से भरी है. इससे तो पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में बात बताई है वो 100% सही है. वी मेड एवरीथिंग फ्रॉम वाटर. सूरह अंबिया में अल्लाह ताला आयत नंबर 30 में फरमाते हैं कि हमने हर चीज को पानी से बनाया. वायरसेस, बैक्टीरिया, एलजी, फंजी, डिफरेंट प्लांट्स, ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन, ऑल आर लिविंग थिंग्स, सब लिविंग थिंग्स जिसमें जिक्र किया गया है वायरसेस, बैक्टीरिया, एलजी, फंजी, डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सब के सब मेड बाय वाटर. Allah Ta'ala says that we made everything from water. It's a Surah Anbiya ayat number 30. According to the Quranic verses, all devices, kinds, living things were created from water. Ayat, Qurani ayat se hume ye pata chalta hai ki Allah Ta'ala ne har jandar ko pani se banaya hai. Common origin. Common origin. From above mentioned sayings of God, there is an indication for common origin of living things, or we can at least say that all living things have come out from water. खुदा के मस्कूरा पाला अकवाल से जिंदा चीजों की पैदाइश हुई, मतलब के पानी से अल्लाह ताला ने सबको बनाया है. एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि जितने लिविंग थिंग्स हैं, ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी जानदार हैं, वो सब के सब पानी से बने हुए हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर, ये एक बड़ा ही अच्छा क्या कहते हैं, एक्वेरियम. ये एक्वेरियम की पिक्चर है जिसमें अल्लाह ताला की कितनी सारी अनकाउंटेबल स्पीशीज जो मखलूकात हैं, फिशेस की काइंड्स, डिफरेंट काइंड्स की, वो इसमें सर्वाइव कर रही हैं. पीस ऑफ रॉक्स हैं और बंडल ऑफ प्लांट्स हैं, ये सब के सब कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, इन वाटर. सी इन द नेक्स्ट पिक्चर, यहाँ पे भी वाटर है. ऑल लिविंग थिंग्स मेड बाय वाटर. क्रिएशन ऑफ मैन. इंसान ने क्या तख्लीक किया, इंसान ने क्या बनाया. अभी तक तो हम बायो बायो बायो, इंसानों ने ये बनाया, इस साइंटिस्ट ने ये बनाया, इस साइंटिस्ट ने बनाया, ऐसी बातें कर रहे थे. आज हमारा टॉपिक अचानक से चेंज हो गया और हम कह रहे हैं अल्लाह ताला ने सब कुछ बनाया. यस, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, हमें इस दुनिया में भेजा है, तो बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ गुड सिटीजन और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अल्लाह ताला ने कुछ स्पेसिफिक जॉब्स के साथ, ड्यूटीज के साथ हमें इस दुनिया में भेजा और फरमाया है कि जाके हमें ये काम करने हैं, और हम वो काम कर रहे हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है. अब हम बात करें कि इंसान ने क्या बनाया, क्रिएशन ऑफ मैन. अल्लाह ऑल्सो सेज इन कुरान, ही क्रिएटेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पोटर्स. इंसान कैसे बना, हम, ये किसकी बात हो रही है, क्रिएशन ऑफ मैन. क्रिएशन ऑफ मैन मींस इंसान कैसे बना. अभी ये वाला चैप्टर बाद में आएगा कि इंसान ने क्या बनाया, इंसान कैसे बना. अब ये अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, He created man from clay. Clay मट्टी को कहते हैं. Like a potter's, उसने एक, अल्लाह ताला ने इंसान का एक मुजस्मा बनाया. सूरह रहमान आयात नंबर 14 को अगर हम अच्छे से पढ़ें, स्टडी करें, तो हमें उसमें पता चलेगा. It seems that there were forming two stages for creation of man. Number one, creation from water.
पहली चीज वाटर, द फर्स्ट क्रिएटेड थिंग ऑन मिक्सिंग एंड मिक्सिंग विद क्ले वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मोर एडवांस्ड बीइंग। अच्छा, अल्लाह ताला ने हमें ये बताया है कुरान पाक में कि उसने इंसान को, अशरफुल मखलूकात को दो चीज़ों से मिलकर बनाया है। दो खास चीज़ें हैं, एक मट्टी, क्ले, क्ले का उसका पोर्ट्रेट बनाया, और उसे मिक्स किस चीज़ से किया? वाटर से। ये था इंसान का पोर्ट्रेट। और फिर हमें ये आयत ये बताती है कि फिर अल्लाह ताला ने उसमें जान डाली, रूह। ये आपको यकीनन सूरह रहमान का तर्जुमा जो है वो हम इस सामने में भी पढ़ते हैं, तो आपको इसमें डिटेल में इसकी मालूम है। द सेम कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू अदर एनिमल्स बिकॉज देयर आर सर्टेन सिमिलैरिटीज बिटवीन स्ट्रक्चर्स ऑफ मैन एंड अदर एनिमल्स। जी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब उन इंसान बनाया तो इंसान के साथ और भी जो क्रिएचर्स थी जो अल्लाह ताला ने बनाई उनमें कुछ सिमिलैरिटीज रखी, उनमें कुछ ना कुछ चीज़ें आपस में मैच करती हैं। इनवर्टिब्रेट एनिमल्स द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम एटसेट्रा। अब अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को नहीं, बहुत सारी ऐसी मखलूकात को बनाया है जो कि अपने काम बहुत ही ऑनेस्टली और जिम्मेदारी से कर रही है। और उसमें एक चीज कॉमन जो है वो ये है कि हर क्रिएचर में, हर जो मखलूकात अल्लाह ताला ने बनाई है उसमें सिमिलैरिटीज हैं। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम आपने मोस्ट ऑफ एनिमल्स में देखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम तो है ही है। विदाउट डाइजेस्टिव सिस्टम हाउ दे कैन डाइजेस्ट देयर फूड, वो अपनी फूड को कैसे डाइजेस्ट कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल ना। इसी तरह से रिस्पायरेटरी सिस्टम आप पढ़े, रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारा भी है, फ्रॉग का भी है, लॉइन का भी है। सर्कुलेटरी सिस्टम हम सब एनिमल्स में है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी इस तरह से होता है। इसी तरह से हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्रिएचर्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में करना क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या कि आप अपने जैसी चीज को तख्लीक करते हैं। Although only one the creator at the back and that is Allah, वो अल्लाह ताला है, लेकिन specific duties, काम जो हमें मिले वो हम करें, ठीक है। Miss Saima, वालेकुम अस्सलाम। मैंने recording pause की है सिर्फ इस वजह से कि मैं आपको काम दे सकूं, इनके रजिस्टर्स पड़े हुए हैं नर्सरी क्लास में, कवर्स हैं महनूर के पास, महनूर से कहो कि कवर दे दे आपको, चढ़ाने शुरू करो, बहुत नीटली काम करना। कागज़ वाला तो चढ़ाओ ना, प्लास्टिक वाला तो फिर मैं आती हूँ, शहजाना भी आती है, वो भी आ जाती है, अटेंडेंस ले लो, अटेंडेंस से डालो वहाँ, सब सब कुछ मेंटेन है, पेंसिल लो, और जो जो आपकी क्लासेस में जितने जितने बच्चे आए वहाँ पेंसिल से प्रेजेंट कर सकते हैं। और जो बाकी जो हिडन होते हैं वही तो छुए, बच्चे हैं मेरे 9th की, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। जी। आपके कैमरा पे रिकॉर्डिंग तो नहीं लिखा हुआ आ रहा था ना अभी लैपटॉप पे? रिकॉर्डिंग पॉज किया, पॉज किया मैंने, ठीक है, अब दोबारा से रिकॉर्डिंग की तरफ आते हैं। जी, आई टोल्ड यू अबाउट एबायोजेंसिस एंड बायोजेंसिस एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ और फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन थी लाइफ की उसके बारे में, अकॉर्डिंग टू वन व्यू ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स बाय प्रोसेस और रिप्रोडक्शन, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी। जी सॉरी, बायोजेंसिस, बायोजेंसिस वो अमल था जिसमें पेरेंट्स के रिप्रोडक्शन से बेबी पैदा होगा, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था काफी ब्रीफली। सेकेंडली, अकॉर्डिंग टू अदर व्यू लिविंग थिंग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ
abiogenesis, because at that time there was neither so much advancement in science nor scientific tools like microscope and other instruments were invented, which could help in detailed observation about reality. According to some people, insects are produced from deep dew drops, rats from debris, frogs from mud, and maggot from feathered meat. Some scientists like, अच्छा जी, अब इसमें सिंपली सी बात उन्होंने ये बताई है कि जैसे फ्रॉग पैदा हुआ तो फ्रॉग का वो अंदाजा ये लगाते थे कि ये मड जो है इसमें से निकल आया, इसमें से पैदा हुआ, मड ने पैदा कर दिया। और इसी तरह से जो कीड़े इंसेक्ट्स अर्थवॉर्म निकलते थे वहां से मट्टी से, तो ये अंदाजे लगाने लगे कि ये जो अर्थवॉर्म है दे केम फ्रॉम मड, वो भी मट्टी से, मड से आ रहे। इस तरह की थ्योरीज जो थी पहले जमानों में होती थी, मतलब कि एबायोजेंस और बायोजेंसिस की कॉन्सेप्ट्स ये थे कि कुछ तो कहते थे कि जी बच्चों से पैदा हो जाते, पेरेंट्स जैसे हो जाते हैं, कुछ वो खुद से पैदा हो जाते हैं। ये थी कॉन्सेप्ट्स ऑफ पुराने जमानों में साइंस का समझ साइंस। From 16th to 18th century, many scientists performed experiments to test the concepts. They found some animals to be developed from non-living matter. जी देखिए अब non-living से matter से हो गया। Therefore, this concepts seems to be correct. और वो correct भी हुआ। 16th and 18th century में scientists ने ये experiments किए कि कुछ चीजों से दूसरी चीजें पैदा हो जाती, नॉन लिविंग मटेरियल से, मैटर से लिविंग थिंग्स जो हैं जिंदा चीजें पैदा हो जाती। लेटर ऑन साइंटिस्ट परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स विद मोर केयर। फर्स्ट ऑफ ऑल एन इटालियन साइंटिस्ट फ्रांसिस्को रेडी 1668 प्रूव्ड दैट दिस कॉन्सेप्ट वाज रॉन्ग। 1616 में एक इटालियन साइंटिस्ट था, उसने इस बात को गलत करार दिया, इस एक्सपेरिमेंट को, इन बातों को कि इस तरह से चीज़ें पैदा हो जाती हैं, मड से मगरमच्छ आ जाता है, डड्डू पैदा हो जाता है, फ्रॉग पैदा हो जाता है और अर्थवॉर्म्स पैदा हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ों को उसने फर्स्ट टाइम गलत करार दिया। रेडियस के एक्सपेरिमेंट्स जो थे अब हम उन्हें स्टडी करने जा रहे हैं। ये कौन सा साइंटिस्ट है? इटालियन। रेडियस टुक 4 बॉटल्स, रेडियस ने 4 बॉटल्स ली। ही पुट अ डेड स्नेक्स इन 1 बॉटल, उसने डेड स्नेक्स मरे हुए स्नेक्स को, स्नेक्स कहते हैं सांप को, सांप को एक बॉटल में डाला। अ फ्यू डेड फिशेस इन 2nd बॉटल, कुछ मरी हुई फिशेस जो थी वो दूसरी बॉटल में डाली। डेड इल डाले, स्नेक्स लाइक फिश, हिल होती है बिल्कुल स्नेक की तरह की फिश, लेकिन होती वो फिश है और वो पानी में चमकती है, ब्लिंक करती है। फिशेस इस तरह की जो इल फिश होती है वो पुराने वक्तों में जब डायरेक्शंस देखनी होती थी तो वो पानी के अंदर उसकी चमक से अंदाजा लगाते थे कि ये कौन सी डायरेक्शन है, ठीक है, क्योंकि वो पानी में होती थी। इन 3rd बॉटल and a piece of meat in the 4th bottle. अच्छा, एक bottle में तो रेडी ने क्या डाला? Snakes डाले, मरे हुए snakes. दूसरी bottle में उसने मरी हुई fishes डाली, 3rd bottle में उसने dead eel डाली और 4th bottle में उसने piece of meat डाला, गोश्त का एक टुकड़ा डाला। All these bottles were left open, और सारी की सारी bottles को खुला छोड़ दिया। The flies cloud could enter these bottles. मक्खियाँ जो थी उन बॉटल्स पे भिन भिनाने लगी। देन ही टुक 4 मोर सच बॉटल्स, ही पुट सम डेड एनिमल्स इन ऑल 4 बॉटल्स बट कवर्ड द माउथ ऑफ बॉटल। अब उसने देखा कि मरी हुई चीज के ऊपर तो मक्खियाँ आने लगी हैं, बॉटल्स आने लगे हैं, अब उसने क्या किया कि सेम वही मटेरियल 4 और बॉटल्स में डाला बट उन्हें बंद कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में अचार डालते हैं, अचार की एक बॉटल को खुला छोड़ दें, एक को बंद कर दें, ये है सिंपल एक्सपेरिमेंट।
ठीक है, अब होगा क्या, रिजल्ट क्या आएगा वो देखना है. आफ्टर फ्यू डेज मैंगोज सॉफ्ट बॉडीज विगेड लैकलेस लार्वा ऑफ अ फ्लाई वर प्रोड्यूस्ड इन फोर ओपन बॉटल्स. अच्छा, अब फोर ओपन बॉटल्स जो थी उनमें लार्वा, लार्वा कहते हैं बिल्कुल अंडे टाइप छोटा सा फ्लाई का जो एग होता है उसको, वो उन बॉटल्स में आ गए, पैदा हुए खुद से जो कि ओपन थी. मैगोट्स वर नॉट प्रोड्यूस इन क्लोज बॉटल, क्लोज बॉटल्स में नहीं पैदा हुए ये लार्वा और मैगोट्स, क्लोज बॉटल में जिन पे कैप था उनमें नहीं हुए. मोरओवर नो फ्लाइज वर सीन, और जो बॉटल्स बंद थी उन पे कोई फ्लाइज नहीं देखी गई. Therefore, it was proved. इससे ये proved होता है, the mangoes were not produced. They produced due to filled which were visiting the open bottles. ये सिर्फ और सिर्फ open bottles पर पैदा होंगे. The mangoes were the larva produced from the egg of the visiting flies. जी, ये आपको समझ आया कि आपने खुली बॉटल छोड़ दी तो उस पे फंगस भी आ जाएगा, उस पे एलजी भी आ जाएगी, उस पे वायरस भी आ जाएगा, उस पे फ्लाइज भी आ जाएंगी. जो दुनिया जहान की अब चीज है वो उस खुली बॉटल पे और पीस ऑफ फ्लैश पे, गोश्त पे और मरे हुए डेड एनिमल पर आ जाएगी. इसीलिए तो कहते हैं कि जब कोई जानवर मर जाता है, इंसान मर जाता है या पौधा गल सड़ जाता है तो उसको प्रॉपर तरीके से जमीन के अंदर बोस करना चाहिए ताकि वो हमारे एनवायरमेंट को डर्टी ना करें. ये चीजें हमारे एनवायरमेंट को भी डर्टी करें. हेडियस एक्सपेरिमेंट्स में देखिए, ये देखिए ये डेड है, डेड के ऊपर फ्लाइज नजर आ रही है, नजर आ रही है पिक्चर में. अस्मा टेल मी, हेलो अस्मा, आर यू हियर? यस मैम, आ रही है, आ रही है नजर. देखिए पिक्चर, ये बहुत मुश्किल से कलेक्ट करती हूँ गूगल पे ढूंढ ढूंढ के एक्सपेरिमेंट्स के पिक्चर्स भी मैंने, ताकि मैं आपको शो कर सकूँ. नीडल्स एक्सपेरिमेंट. In 1948, an English scientist Needham boiled the meat in the water. Needham ने भी एक experiment किया, उसने meat को, गोश्त को boil किया and prepared gravy, और एक gravy बनाई, मसाला सा बनाया, gravy बनाई. He poured this gravy into the bottles and closed their mouth with cork. After some days, many microscopic organisms were produced. In this way, the believers of abiogesis were once again courage. जी, जो abiogenesis को करेज करते थे सेकेंड लॉ को, उनके सामने जब इंग्लिश साइंटिस्ट ने, इंग्लैंड के इस साइंटिस्ट ने, नीडम ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि गोश्त को बॉइल करके रखा, उसकी ग्रेवी बना के रखी और एक को क्लोज कर दिया और दूसरे को ओपन छोड़ दिया, तो ओपन में 5-6 डेज के बाद उसने देखा कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स जो थे, ऑर्गेनिजम्स कहते हैं जिंदा चीजों को. बेटा माइक ऑफ कीजिए, सकीना माइक ऑफ कीजिए अपना बेटा. अच्छा जी, मैं बता रही थी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स जिंदा हशरात को कहते हैं, वो उस खुली बॉटल्स पे उस ग्रेवी पर आ गए. आपने अक्सर इसका एक्सपेरिमेंट मैं आपको सिंपल बताती हूँ. अभी खाना खाइए, थोड़ा सा सालन बचा दीजिए, उसे कल दोपहर तक छोड़ दें. ये तो 5-6 डेज की बात हो रही है, आप वन डे छोड़ दें, उसके बाद आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे, उसके वो जो सड़ गया होगा पीस, गल गया होगा और ख़राब हो गया होगा सालन, उसके पीस को अगर एक स्लाइड पे रखें माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आपको बेतहाशा ऑर्गेनिजम्स नजर आएंगे. वो हशरात जो आप जानते भी नहीं होंगे वो पैदा हो जाएंगे उसको. तो वो लोग जो एबायोजेनेसिस को तरजीह देते थे, इस बात को मानते थे कि इस तरह से जानदार पैदा हो जाते, उन्होंने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के बाद और करेज किया. डिफरेंशिएट बिटवीन बायोजेनेसिस एंड एबायोजेनेसिस. अब बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस में डिफरेंस क्या है?
biogenesis, a theory which describes the origin of life on the earth from pre-existing living organism is called biogenesis. It was based on practical experiment and material evidences. जी इसमें हमारे पास क्या क्या चीज आ गई, प्रैक्टिकल भी आ गया, एक्सपेरिमेंट भी आ गया, मटेरियल भी आ गया, एविडेंस भी हो गया. इट वॉज सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय रेडी एंड पॉस्चर्स. इट वॉज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल बेसिस, प्रैक्टिकल बेसिस पे हुआ. इट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एज एन एसेंशियल एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जी इट्स वेरी क्लियर कि जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है, बताई है, ये सब वही लिखी हुई है. हमने एक्सपेरिमेंट्स भी किया, हमें एविडेंस भी मिला, हमारे मटेरियल्स भी थे, हमारे रिजल्ट्स भी आए और हमने परफॉर्म भी किया, आपके सामने किया यहाँ पर. एबायोजेनेसिस क्या है? अ थ्योरी विच डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एबायोजेनेसिस. यहाँ पे बात हो रही है नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स से पैदा हो रहे हैं लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स के पहले वाला देख लीजिए कि उसमें माँ बाप जैसे पैदा हो रहे हैं, दूसरे वाले में नॉन लिविंग थिंग्स से पैदा हो रहे हैं और कोई तीसरा मेथड नहीं. इट वॉज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड नेशनल थॉट्स. इट वॉज सपोर्ट्स बाय द फंगस ऑफ ब्रेड, फंगस ऑफ ब्रेड यस, एंड प्रोडक्शन ऑफ फ्रॉग्स इन द मड, मड से खुद से पैदा हो जाते हैं मड में से फ्रॉग्स. इट वॉज बेस्ड ऑन थ्योरिकल बेस्ड, इट गिव्स नो साइंटिफिक रीजंस अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ लाइफ. दोनों मैंने एक्सप्लेन किए, अस्पष्ट समझ आए या नहीं आए, ऑनेस्टली बताइए. बायोजेनेसिस एंड एबायोजेनेसिस क्या होते हैं, उनके एक्सपेरिमेंट पे फर्क क्या है? अस्मा माइक ऑन कीजिए बेटा अपना, अस्मा माइक ऑन कीजिए. अस्मा माइक ऑन कीजिए. ओके आई थिंक आपकी तरफ नेट का प्रॉब्लम है. जी डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइपोथेसिस एंड थ्योरी. थ्योरी और हाइपोथेसिस में क्या फर्क है? हाइपोथेसिस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सम पॉसिबल आंसर्स ऑफ द रिलेटेड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस कहते हैं साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को दो तीन चार बार करने से जो हमारे पास आता है, जो हम करते हैं, उसे कहते हैं हाइपोथेसिस. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ, वन टाइम किया, टू टाइम किया, थ्री टाइम किया, फोर टाइम किया, वो क्या है? हाइपोथेसिस. इट इज द स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स व्हिच गिव्स द वे टू कैरी ऑन द रिसर्च. हाइपोथेसिस इज एन अनसर्टेन इंटेलिजेंट स्टेटमेंट. हाइपोथेसिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्ट फैक्ट्स. उससे हमें फैक्ट्स मिलते हैं. फैक्ट्स मीन्स रियल अंदेशे मिलते हैं कि क्या है, थ्योरी क्या चीज है. हाइपोथेसिस का बस ये समझिए कि बार बार जो हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं किसी चीज को जानने के लिए. थ्योरी द फाइनल एक्सप्लेनेशन विच इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस की बेसिस पर जो फाइनल एक्सप्लेनेशन हमारे पास आती है, जो दो चार छह डिडक्शंस के बाद पॉसिबल होती है, दिस इज कॉल्ड थ्योरी. इट इज द स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड विच गिव्स actual reason to biological method. Theory is certain intelligent statements. Theory is formed by experimentations, physical evidence to explain the laws of nature. Laws ke natures ko janne ke liye sabse pehle to hote hain hypothesis. Hypothesis mein 4-5 time हमारे पास हाइपोथेसिस के रिजल्ट्स आते हैं. हाइपोथेसिस जब क्लियर होती हैं तो थ्योरीज आती हैं. हाइपोथेसिस की बेस पर थ्योरीज क्लियर होती हैं, थ्योरीज आती हैं. थ्योरीज में हमारे पास एविडेंस होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, फिजिकल एविडेंस होता है जो कि नेचर के लिए हम कर रहे हैं.
माइक ऑफ कीजिए अब अपना. केमिकल एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ द मॉडर्न व्यू ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ स्ट्रेसेस ऑन द आइडिया ऑफ द केमिकल एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू ऑर्किन एंड हैडन्स. अच्छा जी, इसमें सिंपल आपको अब जो बात हम बायो के उस पर कर रहे थे रेफरेंसेस को देकर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे, अब उसमें थोड़ा सा टच केमिकल का भी आ गया. मीन्स अब चीजें मिक्स होए, अर्थ पे एलिमेंट्स आए, अर्थ पे एलिमेंट्स हैं, अर्थ पे आयरन है, निकल है, और अर्थ कैसे बनी, गैसेस हैं, अर्थ आ गई ना, अर्थ हो गया, दुनिया की तश्कील हो गई. अब इस दुनिया में इस अर्थ पर जो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में गैसेस हैं, एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, अमोनिया है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और हम जो वेरी इंपॉर्टेंट गैस लेते हैं ऑक्सीजन गैस है, इन सब की मिक्सचर्स को, इन सब की स्टडीज को केमिकल्स के थ्रू किया जाता है, ये केमिकल स्टडीज कहलाती है. दीज लाइट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट ऑन द अर्थ. द अर्थ हैड हाई टेम्परेचर एंड रेडिएशन एंड हार्ड frequent and evident discharges. In these conditions, the first life originated. जी मैम, जी 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 बोलिए. Asma, you want to ask? कुछ पूछ रहे आपने? अच्छा जी, अब ये सारी चीजें, इनकी स्टडी हमारे अर्थ पर क्या है, बैक्टीरिया कितने हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इस तरह की स्टडीज इंक्लूडिंग इन योर बायो एंड केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस पे अर्थ से क्या चेंजेस आती हैं, इसकी मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल्स ऐसे देती हूँ कि ज़मीन के अंदर बहुत सारे लावे होते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, ये सारी क्या हैं, केमिकल चेंजेस. इट्स ऑल अबाउट केमिकल चेंजेस. जी हमने केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा, डिफरेंसेस बिटवीन हाइपोथेसिस एंड थ्योरी के बारे में बताया है, डिफरेंसेस बिटवीन बायोजेनेसिस एंड एबायोजेनेसिस क्या होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स हमने किए हैं, एक्सपेरिमेंट किस लिए किए हैं, जो हमारे पास दो थ्योरीज आई थी उन थ्योरीज के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द टू व्यूज, बायोजेनेसिस एबायोजेनेसिस इसमें एक टॉपिक खास था, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था वो था द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिंदगी की हकीकत क्या है, व्हाट इज द ओरिजिनलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तख्लीककार है और उस क्रिएटर का नाम है अल्लाह ताला, वो क्रिएटर है अल्लाह ताला, उससे ज्यादा कोई नहीं. मैं रिवर्स में स्लाइड्स चला रही हूँ, क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन के बारे में भी आपको बताया है, कुछ वर्सेस के बारे में बताया है, क्रिएशन ऑफ मैन बताया है कि इंसान को अल्लाह ताला ने किस तरह से बनाया, कॉमन ओरिजिन के बारे में बताया आपको. ये देखिए सारी मखलूकात जितनी भी हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम वाटर, वाटर की क्या इंपॉर्टेंट है, वाटर का क्या रोल है हमारी लाइफ में, वाटर से अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, वाटर और क्ले से, इसके बारे में बताया है. अल्टीमेट क्रिएटर, ओनली वन, इस्लामिक कॉन्सेप्ट अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ, दैट इज इम्पॉर्टेंट, स्टार्ट एंड एंड, स्टार्ट एंड 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 ई एंड एंड. आज हमारा चैप्टर नंबर वन जो है, क्या नाम था ये तो सारा हमने पढ़ा हुआ है, ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज बायोलॉजी, यस, लाइफ एंड इट्स ओरिजिन. ये हमारा डन हुआ. होमवर्क में आपको एज अर्ली एज पॉसिबल अभी शेयर करती हूँ, बट दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, यू कांट अंडरस्टैंड एनी टॉपिक, एनीथिंग, यू कैन ask me, आप मुझे PMS पे भी मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप पे भी कर सकते हैं. अगर सेपरेटली कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक, आप मुझे PM भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, नो इशू. ठीक है,
अभी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज स्टॉप. क्लियर? थिंग्स आर क्लियर? बाय. अल्लाह हाफिज़.